हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं 6:50 और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। मम्मी इधर कपड़े समेट रही है और मैं मम्मी के साथ बातें कर रही हूँ। क्या क्या सुबह उठ के मम्मी आपने? अभी सुबह उठ के पानी छान के भर दिया, एक्वागार्ड चालू है अभी, और अभी दूध गरम कर दिया। अभी मैं नहाने जाऊंगी, नहा के आके एकदम फ्रेश हो जाएगी, फिर सामायिक करेंगे। और आगे आप बने रहिए हमारे साथ, आज दिन भर का ब्लॉग बनाते हैं और आप अच्छे से देखिएगा। और अभी मैं क्या बोलते हैं, बाहर जाऊंगी हॉल में, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करूंगी जो कि मैं दिखाऊंगी आप लोग को, तो देखना एंड एंजॉय। अभी चालू किया वापस से ब्लॉग, अगर आप हमारा सब आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसमें आपका साथ चाहिए हमको, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बट ये डेली व्लॉग होगा कि नहीं होगा पता नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम डेली अपलोड करें, बट नहीं हुआ तो वीकली हो जाएगा और कुछ नहीं, बट वी विल ट्राई, हम कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करेंगे। आई नो हमेशा बोलते हैं बट 5-6 व्लॉग निकलते हैं और हम एकदम ढीले पड़ जाते हैं, बट इस बार अगर नहीं हुआ तो हम वीकली करेंगे, नहीं तो मम्मी अपना कुकिंग चैनल शुरू कर देगी उसी पे ही। तो जिसको भी क्या बोलते कुकिंग के उसके वगैरह सीखने तो आ जाना हमारे चैनल पे, क्योंकि सब लोग फोन करके पूछते हैं आंटी ये रेसिपी बताओ वो रेसिपी बताओ, इसलिए अगर ब्लॉग डेली ब्लॉग नहीं हुआ तो हम लोग रेसिपी डालेंगे जो आपको बहुत पसंद आएगी। हाँ, मम्मी की सारी और रोज एक घर का नुस्खा डालेंगे। हाँ, जो आपके लाइफ में काम आएगा। हाँ तो ये थोड़ा डांस प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, वार्म अप। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने उधर बोला है न्यू वीडियो कमिंग सून, बट मैंने लास्ट फोर मंथ मैंने डांस शो मैंने कुछ भी नहीं किया है और अभी मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ डांस एंड एवरीथिंग, तो करके अभी मैं थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज थोड़ा करूँगी ताकि बॉडी मेरा ओपन हो जाए और फिर जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करके डांस वीडियो शूट करके डालना है सब जगह। तो लेट See what happens now. अभी बज रहे हैं 9:30 और मम्मी कर रही है खाने की तैयारी, दूधी की सब्जी काट रही है, सबका नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया, सब नहा के रेडी भी हो गए। अभी मशीन का काम करना बाकी है, तब तक मम्मी बना देगी सब्जी खाने के लिए और फिर आंटी आएगी झाड़ू पोछा करने के लिए और फिर बस रायता बनाएंगे। रायता बन रहा है, चलो अच्छा है। बूंदी का रायता भी बन रहा है। देखो अभी हम आपको बताएंगे दूधी की सब्जी हमारे घर पे कैसे बनती है, हमारी मास्टर शेफ द मदर बताएगी। इसमें हम सब्जी में पानी नहीं डालते, पानी डालेंगे तो फिर ऊपर जो मस्त कलर आता है सब्जी का वो नहीं आएगा। हाँ। पानी डाल देते हैं तो तेल सारा दब जाता है। हाँ। तो सारी तरी चले जाती है तो वो खाने में मजा नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। राई, फिर डालेंगे जीरा, मस्त बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, इसको थोड़ा सा हल्ला करते हैं, थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं। हल्दी क्या है, ये शरीर में खून साफ करती है, तो इसको थोड़ा सा इसमें फ्राई हो जाती है हल्दी, तो अच्छा कलर भी आता है और नुकसान भी नहीं करती है। फिर हम इसमें डालेंगे दूधी कटी हुई, थोड़ा
ये हल्दी देखो सब के लग गई मस्त वाली। दूधी की अपन दूधी का जूस पीते हैं, तो उस जूस में भी थोड़ा काली मिर्ची, काला नमक, सेंधा नमक डालते हैं ना, बहुत टेस्टी बनता है। दूधी में थोड़ा आंवला डालने का, एक आंवला डाल देने का उसका जूस बनाने के लिए, तो वो बहुत गुणकारी करता है बहुत। ये डाले हमने टमाटर, वैसे भी दूधी ज़्यादा खानी चाहिए आंखों के लिए, शरीर के लिए भी अच्छी रहती है। वैसे हमारे घर में ज़्यादा दूधी बनती है। हाँ, हर दूसरे दिन हफ्ते में एक दो बार तो बनी जाती है दूधी। तभी हमारे तंदुरुस्ती का राज है ये तो। अच्छा, अभी हम इसमें डालेंगे नमक। सब मेरा काम अंदाज का होता है, नमक तो वैसे भी सब अपने टेस्ट के हिसाब से डालो। फिर इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, हरी मिर्ची थोड़ी डाली हुई है इसलिए लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा कम डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी और डाल देते हैं। फिर हम डालेंगे इसमें धनिया, टेस्ट के लिए भी अच्छा होता है धनिया, और मसाला भी अच्छा लगता है, मसाला भी हो जाता है और धनिया ठंडा भी रहता है तो अच्छा लगता है। अब इसको हम इसको सिम गैस पे रखेंगे, बंद कर देंगे इसको, कुकर को बंद कर देंगे। और कितनी सीटी लेनी है? दो सीटी लेंगे। अच्छा, ये दही है। अभी हमारे बूंदी के रायते की जगह हमारा मेनू चेंज हो गया थोड़ा, अभी हम काकड़ी का रायता बनाएंगे। ये देखो, सादा नमक, काला नमक, जीरा, ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, हम किसी को नहीं बताते इसकी रेसिपी। जो पूछते हैं कमेंट बॉक्स में उसी को बताते हैं। हाँ, तो कमेंट करो किसको जानना है ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट। और अब इसमें डालेंगे किसी भी काकड़ी, सब लोगों की हाथ से करने की आदत होती है लेकिन मेरा किसी चीज में हाथ डालने की, हाइजेनिक चाहिए बस हर चीज में, देखो हाथ नहीं डालना बस। और ये बन गया हमारा ककड़ी का रायता, ग्रेट सक्सेस। आज की रेसिपी में बस इतना ही, और रेसिपी देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और अभी मैं करने जा रही हूँ मशीन का काम, मेरी मशीन हो गई है इधर, तब मैं मशीन का काम करूँगी। तो हम बाद में मिलेंगे। घर है काकड़ी का रायता, दूधी की सब्जी, चपाती। ये अभी पापा को बाहर जाना है करके, पापा अभी जल्दी खा रहे खाना करके। कुछ भाव ही नहीं मिला। देखो, आपके लिए एकदम स्पेशल थाली में लेकर आए हैं। मंडल आभारी, मंडल आभारी। चक्के बताओ कैसे बनी सब्जी। अभी बज रहे हैं 10:50 और कपड़े भी हो गए, उनको सुखा दिए, सब कुछ हो गया। अभी मुझे ये बर्तन सारे पोंछ कर अंदर जमाने हैं, वो करते हैं और फिर उसके बाद आराम।
फिर मम्मी बनाएगी रोटी, खाना करेंगे आराम, और दोपहर में सो जाएंगे। ये इतना अच्छा लगता है, सुबह उठ के सारा काम खुश हो जाता है। इनफैक्ट सब सारा काम नहीं, मतलब एक बार सुबह जल्दी उठ जाते हैं 6 बजे तो मोस्ट ऑफ द काम हो जाता है जल्दी से, आराम से पूरा दिन आराम से मजे करो। दोपहर में अभी मैं मस्त थोड़ा यूट्यूब पर एंजॉय चिल कर बताती हूँ आपको जैसे होगा। यू नो यू आर इन इंडियन हाउस होल्ड वेन योर टॉप वंस अ टॉप, ये मैं स्कूल में पहना करती थी। ये टॉप अभी बर्तन पोछने के काम आ रहा है। मतलब यू आर इन अ इंडियन हाउस होल्ड वेन यू सी दिस, बच्चों के कपड़े बर्तन साफ करने के लिए काम आते हैं, फिर अब देखने का पोछा बनेगा, फिर पायदान बनेगा, सब कुछ इसका। जब तक ये फटके पूरा धागा धागा नहीं हो रहा था तब तक इसको हम इस्तेमाल करेंगे। आठ दिन अट्ठाई करी, जब इन लोगों ने मेरी बहुत सेवा करी, इसलिए अभी ये थोड़ा नींद से उठी है थकान से, तो फिर मैं इसको खाना खिला रही हूँ। मम्मी के हाथ का खाना एकदम अच्छा लगता है ना, टेस्टी टेस्टी, इसलिए मम्मी हाथ से खाना खिला रही है इसको। छोटी सी बच्ची है ना, प्यारी सी। खाना हो गया, मैं ही तो मम्मी रूम में लेकर आ रही। रायता, मेरी जाड़ी रोटी और दूसरी सब्जी। इसके एकदम घी से गपा गप रोटी बनती है, देखो लच्छा पराठा का जैसा। इसको यही रोटी पसंद है, इसको चपाती नहीं पसंद है, बोले चपाती बहुत ज़्यादा चबानी पड़ती है, और ये क्या बहुत सॉफ्ट होती है। इसकी भी हम रेसिपी बताएंगे जब मैं सोई नहीं होंगी और मैं जागी होंगी तब हम आपको बताएंगे। मम्मी आपका इंतजार करते करते परेशान हो गई। आप यही चाहते हो मतलब? हाँ। रहे हैं रात के 9 और अभी एक लास्ट काम बाकी है बर्तन धोने का, जो कि मैं भी फटाफट धो दूंगी और फिर दैट वाज इट फॉर टुडे। मैं भी सोने चले जाऊंगी आराम से, आप कल फिर से सुबह उठ के, और कल मैं एक्चुअली बाहर भी जा रही हूँ तो कल का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, मज़ेदार होगा, और कुछ फ्रेंड्स भी होंगे उस ब्लॉग में, एक्चुअली एक ही फ्रेंड होगा, बट मेक श्योर यू वॉच इट। एंड दैट वॉज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, गुड नाइट, बाय बाय।